तो ये व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आप सभी के अकाउंट में यहाँ से एक कॉमन सी यहाँ से प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, यानी कि जब भी आप अपने अकाउंट की जो रीच होती है उसको चेक करते हैं तो अचानक से यहाँ से डाउन हो चुकी है। कल तक तो ठीक थी, यानी कि कल तक आपकी रीच अच्छी खासी आ रही थी, पर 2-3 दिन पहले यहाँ से मेरे अकाउंट में जो रीच होती है वो एकदम से माइनस में जा चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार इंस्टाग्राम ये तो बता दे कि भाई हम ये गलती कर रहे हैं या आप ये गलती कर रहे हो कि जिसके कारण आपकी रीच डाउन हो चुकी है और आपकी जो रील्स होती है वो अच्छी खासी वायरल भी हो रही है और आपकी रीच एकदम से डाउन हो रही है। तो वो भी आपको बताऊंगा कैसे डाउन हो रही है, इसका रीजन क्या है। आप ये पूछोगे कि भाई इसका सोल्यूशन तो होगा कुछ, तो आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इसका क्या सोल्यूशन है। अब आप ये पूछोगे कि भाई इसका कुछ सोल्यूशन है जिसके कारण हमारी जो रीच डाउन हुई है उसको यहां से हम इंक्रीज कैसे कर पाए, तो आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं। आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा, 4 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसके कारण जो आपकी रीच होती है जो डाउन हो चुकी है उसको कैसे अप करना है, वो भी आपको मैं सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है वो मुझे आप डीएम करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स और नए नए अपडेट्स जो आती रहती हैं फ्यूचर में वो सभी आपको इन फ्यूचर में देखने को मिल जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ जो रीच होती है वो आपकी क्यों डाउन हुई है। मेरे अकाउंट में यहाँ से कल तक यानी कि 2-3 दिन पहले तो मेरी रीच अच्छी खासी यहाँ से आ रही थी, पर मैंने जो यहाँ से 2-3 दिन पहले अकाउंट अपना चेक करा तो मेरे अकाउंट में एकदम से रीच होती है वो एकदम डाउन हो चुकी है। तो मैंने यहाँ से जो 4 स्टेप आपको मैं बताने वाला हूँ वही मैंने अपने अकाउंट में फॉलो करे, तो यहाँ से मेरी डेफिनेटली मेरे अकाउंट में जो रीच होती है वो 3-4 दिन मैंने यहाँ से चेक करा तो मेरी जो इंस्टाग्राम की रीच होती है वो प्लस में यानी कि ग्रीन में आ चुकी है। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टेप आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है, यदि आपने इंस्टाग्राम का बीटा वर्जन होता है इसका टेस्टर यूजर होता है तो आपको उसको क्या करना है, इसको यूज़ नहीं करना है। यदि आपने कर भी रखा है तो इसको यहाँ से अनइंस्टॉल करके दोबारा यहाँ से इंस्टाग्राम खाली आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी है, ना कि बीटा वर्जन। अब आपको मैं रीज़न बता दूँ ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम जब भी कोई नया फीचर या अपडेट लाता है तो यहाँ से क्या करता है, वो यहाँ से जो भी फीचर लाएगा वो 1-2 दिन के लिए लाएगा, यानी कि टेस्टर है बीटा वर्जन जो टेस्टर होता है आप नीचे यूज़ करोगे, नीचे इंस्टाग्राम की जो एप्लीकेशन बीटा वर्जन होता है उसको यहाँ से नीचे पढ़ोगे तो आपको टेस्टर होता है, टेस्टिंग जो भी इंस्टाग्राम की जो यूज़ होती है इंस्टाग्राम फीचर होते हैं वो सबसे पहले इस पर यूज़ होते हैं। तो आपके अकाउंट में जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं इंस्टाग्राम की रील्स वायरल ना होना, इंस्टाग्राम की जो रीच होती है इसको डाउन हो जाना, ये नॉर्मल सी चीज़ होती है। तो आपको क्या करना है सिंपल, यहाँ से पहले स्टेप में तो आपको यही करना है, ये तो होता है हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको ये करना है, पर दूसरे स्टेप को समझने से पहले आपको चौथा स्टेप बता देता हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यदि आप इसको यूज़ करोगे तो आपको 110% आपकी रील्स यहाँ से जो इंस्टाग्राम की रीच होती है वो 100% यहाँ से बढ़ जाएगी। तो दूसरे स्टेप की छोड़ देते हैं, दूसरे स्टेप में आपको ये करना है, आपकी जो इंस्टाग्राम की रील्स अपलोड करते हो उसमें कैप्शन होता है उसमें आपको कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं जिसके कारण आपको यहाँ से जो इंस्टाग्राम की रीच होती है वो आपके यहाँ से अप हो जाएगी। आपको ये चेंजेस करने हैं कि जब भी यहाँ से आपको रील्स यहाँ से कैप्शन लगाओगे, कैप्शन लगाने के साथ साथ आपको सबसे पहले क्या करना है, छोटा सा कैप्शन लगाना है। छोटे से कैप्शन लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हैशटैग लगाने हैं, यहाँ से हैशटैग आपको कम से कम 15-20 हैशटैग ऐसे लगाने हैं जो आपकी कैटेगरी के वाइस हो। यदि आप जिम रिलेटिव यहाँ से रील्स डालते हो तो आपको करना है जिम से रिलेटिव यहाँ से मोटिवेशन हुआ, फिटनेस हुआ, बॉडी बिल्डिंग हुआ, वर्कआउट हुआ, ईजिली हुआ, वो सारी यहाँ से आप डाल सकते हैं। यदि आपकी लिपसिंग वगैरह हुई तो उसके हिसाब से यहाँ से आप अपनी रील्स के हैशटैग होते हैं उसको यहाँ से डिफाइंड कर सकते हैं, उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो जाता है हमारा कैप्शन के अलावा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, नीचे शोर करोगे तो यहाँ से आपको ऐड टॉपिक वाला एक ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपनी कैटेगरी में 3 यहाँ से ऐसे टॉपिक यूज़ करते हो जिसके द्वारा आप अपनी रील्स को वायरल कर सकते हैं। रील्स वायरल होगी तो आपकी जो रीच होती है वो भी 100% यहाँ से आपकी रीच होगी वो बढ़ जाएगी। तो आपको ऐसी ऐड टॉपिक लगाने अपने कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों आपने ऐड टॉपिक भी लगा दिया, आपको क्या करना है सिंपल यहाँ से शेड्यूल करके अपनी रील्स को यहाँ से अपलोड कर लेना। तो यूँ तो हमारा होता है सेकेंड स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको ये करना है कि आपको जो भी यहाँ से रील्स अपलोड करते हो आप क्या करते हो, यहाँ से 30-30 सेकंड की यहाँ से रील्स अपलोड कर देते हो। रील्स अपलोड नहीं करना है आपको, 30 सेकंड की रील्स अपलोड नहीं करना है। यदि आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रही है आपको क्या करना है, यहाँ से 5-6 सेकंड की रील्स अपलोड बनानी है। और रील्स भी ऐसी बनानी है कि आपको क्या करना है, जो भी इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस होती है जो आपने यहाँ से इंक्रीज करवा रखी है वो यहाँ से समझ में आ जाए आपने क्या रील्स बना रखी है, उसको यहाँ से क्या बताना चाहते हो, सिंपल स्मॉल होनी चाहिए। यदि आप 5-6 सेकंड की यहाँ से रील्स अपलोड करोगे तो यहाँ से आपकी रील्स वायरल होगी, रील्स वायरल होगी तो यहाँ से डेफिनेटली आपकी जो रीच होती है जो डाउन हो रही होगी वो 100% यहाँ से अप हो जाएगी। ये हो जाता है हमारा यहाँ से थर्ड स्टेप। जो फोर्थ स्टेप वो इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको क्या करना है, यहाँ से जब भी आपने तीनों स्टेप लगा लिए और चौथे स्टेप में यदि आप इसको यहाँ से अप्लाई करोगे, चौथे स्टेप में हमारा ये करना है कि आपको रिमिक्स वीडियो बनानी है, यानी कि कोलैब करके बनानी है। इंस्टाग्राम की जो रील्स होती है जो रिमिक्स वीडियो होती है वो यहाँ से आप कोलैब कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा जो रिमिक्स वीडियो होती है वो 110% यहाँ से वायरल हो जाती है, आप हज़ारों लाखों में यहाँ से आपकी रील्स
वायरल हो जाती है। और दोस्तों रिमिक्स वीडियो भी आपने देखी होगी, बीच बीच में आपकी जब यहाँ से स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल करने के बाद आपके यहाँ से बीच बीच में यहाँ से रिमिक्स वीडियो आती है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से कोई भी एक रिमिक्स वीडियो उठा लेना है और यहाँ से आप रिमिक्स कर सकते हैं इस वीडियो के हिसाब से, तो डेफिनेटली आपकी रील्स वायरल होगी। जो रीच होती है, जो डाउन हो रही होगी, वो अभी 100% यहाँ से अप हो जाएगी। तो ये चारों स्टेप आप अपने अकाउंट में यहाँ से फॉलो कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में जो रीच होती है वो डाउन नहीं होगी, वो सीधा अप हो जाएगी। और जो आपकी रील्स वायरल नहीं हो रही है, वो इसके द्वारा भी यहाँ से आपकी रील्स वायरल हो जाएगी। डेफिनेटली आपको ये चारों स्टेप अपने अकाउंट में फॉलो करने हैं। और यदि आपकी इसी वीडियो से हेल्प एंड नॉलेज मिली होगी, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक्स एंड टिप्स के साथ। टेक केयर एंड बाय।